ਅਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਪਾ ਲਓ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिन्यामिन और आप सबका मैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बिन्यामिन व्लॉग उस पर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 14 अगस्त का दिन है और आज इस वक्त मैं हाफिज़बाद में मौजूद, जो हाफिज़बाद की मशहूर जगह है हेड सागर, वहां पर एक नहर के किनारे बैठे हुए हैं जहाँ पर आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये सारी चावल की काश्त है, जो तकरीबन चावल पकने वाला है, अभी पका नहीं है लेकिन चावल की काश्त बिल्कुल तैयार होने वाली है। और आज 14 अगस्त को हम इंजॉय करने आए हैं और आज का दिन हम स्पेंड करने आए हैं हेड सागर पर। और मेरे साथ है मेरे मामू जी भांजा और मामू, हम दोनों 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने आए हैं और अभी हमने घर से खाना खाकर आए हुए हैं, लेकिन खाना हमें इधर गुंजाइश नहीं है अभी दोबारा खाने की। इसके साथ हम लेकर आए हैं चाय, चाय का मैं आपको सामान दिखाता हूँ। अब मेरे मामू जी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उनकी अका चाय पीन आए हैं, बस ठीक हो गया। आ समान वेखो, कप जे आ पानी जे और दुध जे ते आ चाय पकान लगे हैं ते चाय पीने हैं ते फिर आए सागर आए हैं हूँ अगो सारा चाय का समान लेकर आए हैं। ये बेसिक हमने रखे हुए हैं ये दो कप, लेकिन हमने हम बंदे हैं दो, लेकिन कप लेकर आए हम चार। कोई हो सकता है कोई मेहमान आ जाए, कोई किसी को और का दिल कर पड़े चाय पीने को, तो इसलिए हमने दो कप इजाफी लेकर आएंगे कि अगर किसी और का भी दिल कर पड़ता है चाय पीने को तो उसको भी चाय मुयसर यहाँ पर हो। ये दूध, इतने सारे एक लीटर दूध की हम चाय बनाएंगे। और साथ हम लेकर आए हैं पत्ती, पत्ती ज़बरदस्त वाइटल टी, और साथ है चीनी शॉपर में पौनी ग्लास। अभी हम पानी पियेंगे, सबसे पहले मैं पानी पिलाता हूँ अपने मामू जी को। मामा भांजा, हम दोनों एंजॉय करने हैं 14 अगस्त को सेलिब्रेट है। अभी मैं आपको ना इसके कुछ आपको सीन दिखाऊंगा कि हमारे शहर में किस तरह लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे शोर शराबा कर रहे हैं। बहुत इंजॉय करेंगे आप, बहुत इंजॉय है मामू पानी और तू। अभी हम चाय के साथ तैयारी कर रहे हैं, वीडियो हमारी चलती रहेगी। ये नहर का पानी है बिल्कुल नेस्ले से भी ज़बरदस्त पानी, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर ज़बरदस्त पानी है, केमिकल के बगैर है, नेस्ले से अच्छा पानी सेहत के असूलों के मुताबिक। और ठंडा ऐसे है कि अगर 5 घंटे भी ये पानी पड़ा रहे तो गर्म नहीं होता, इतने ये ठंडा पानी इस नहर का होता है। नहर से मुराद है कि हमने ये नहर से डुबो कर नहीं निकाया, यहाँ पर जो हैंडपम्प होते हैं नहर के किनारे उससे पानी लिया। मैं जलाने लगूँ आग, मामू जी आ जाओ आग जला। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਉਹ ਦੋ ਟੋਟੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। हाँ इत पतीली भी सही आएगी, चुल भी सही बनेगी। गत्ता ले लो डब्बी का। हाँ अभी आग आग के हम जलाने के ना जरा नाड़ी है, क्योंकि घर में गैस है, गैस से हम आग जलाते हैं।
ਲਿਓ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ। अग सही जे अग बल पी है इधर ले वो इत्थे आ जाओ आ जाओ तेरे को लैदर चल नहीं रहा नहीं लगी लग गई है नहीं लगी। मैं अग का मैं सियाना वा लाओ अग सर मेरे मामू जी आग लगाने लगे हैं तो देखते हैं कि आग जलती है मामू से और कितने टाइम में जलती है थोड़ा ना वीडियो को अभी स्टॉप कर रहे हैं फिर हम जब आग लग जाएगी लकड़ी को शुरू कर देंगे फिर आपको दिखाते हैं आपको ना कैमरा घुमाकर थोड़े से यहाँ के सीन दिखाता हूँ जहाँ से हमने वीडियो को स्टॉप किया था दोबारा फिर शुरू कर दिया अब आग देखें तकरीबन ना लकड़ी को लग गई है अब हम ऊपर पतीली रखने लगे हैं आहर मामू ने आग जलाई है मामू आग के बड़े सियाने हैं मामू जी तू बैठ जाओ मैं नाले पीछे बैठ ना बैठ जाओ मामू जी बैठ जाओ दस सोनिया लकड़ी शकड़ी नाली रखी जो यार ये आग लग गई है तो हम चाय तैयार हो रही है शहर अपना दसो हाँ दसो दे मुंजी के बारे
टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त है, पसीना तो बह रहा है, लेकिन ये है कि आज सुबह बहुत शदीद बारिश हुई है, शहरी टाइम बहुत बारिश हुई है। हाँ शहरी टाइम बारिश हुई है, यकीन करे मजा आ गया। और ऐसा था कि ऐसी ठंड ठंड ठंडी हवा चल रही, और फिर ये भी था कि आज 14 अगस्त से बाहर भी निकलना घूमने फिरने, अगर बारिश ना होती तो फिर अभी जो देखे ना पसीना, ये कैसे पसीना बह रहा है, अभी बारिश हुई है इसके बावजूद इतना पसीना बह रहा है, अगर बारिश ना होती तो और पसीना बहना था। लेकिन आज टेम्परेचर फिर भी ठीक है क्योंकि हमें हल्की धूप में बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, ईद का हो, 14 अगस्त का हो, शबे बरात का हो, मेराज शरीफ का हो, हम हर प्रोग्राम हर दिन जो मजहबी हो या दूसरा प्रोग्राम हो, हम पूरे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर मजहबी हो तो हम मजहबी रंग से करते हैं, अगर इस तरह के 14 अगस्त का हो मुल्की लेवल से तो हम उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हम पूरे जोश खरोश से करते हैं। उस साइड पर अगर पीछे चले जाए ना जहाँ पर मैं उंगली कर रहा हूँ, तो इतना रश है, लोगों का हजूम है, लेकिन जिस साइड पर हम बैठे हैं यहाँ पर बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है। देखें हर तरफ सरसब्ज खेत, चावल की काश्त लगी हुई है, पंजाबी में इसको मुंजी कहते हैं, मुंजी लगी हुई है। ये देखें ज़मीन के ऊपर ऐसे ये घास है कि जैसे घास का कारपेट बिछा हुआ है, सब्ज़ा है। हमने अपनी ये चादर लेकर उस पर बैठे हुए हैं। आते जाते जो पीछे रोड पर लोग हैं वो हमें देख रहे हैं, कोई जा रहा है कोई देख रहा है, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मम्मी कागज उसे रख देंगे ना, उत्ते रखते उत्तों भैन तो मोती पर डिगदे ना, तो कितने डिगदा सी उन्हें अग लानी थी। चीनी आज हमने ना जरा तेज पीनी है, वो क्यों? हम मस्ती में है आज हम मामा भांजा दोनों मस्ती में है, चीनी तेज पियेंगे। चाय तो इसीलिए, चाय तो रास्ते में होटलों पर भी मिल जाती है, लेकिन हमने खुद बनाई है। वो मजा नहीं आता जो जंगल है, जंगल में मंगल कर दिया। ये मामे भांजे का प्यार देख ले आप, हम दोस्तों के साथ नहीं मैं आया, अपनी एज के दोस्तों के साथ नहीं, अपने मामू को दोस्त बनाए हुए इनके साथ आया हूँ। आज हम मामू और भांजा दोनों दोस्ती के साथ ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, मामू भांजा पूरी दोस्ती के साथ इंजॉय कर रहे हैं। माइक को करीब रख देते हैं, कैमरा हमारा पीछे बहुत लगा हुआ है। पाँच चीनी वाह और चख उनके लिफावे ना पाओ, सारी चीनी रखे हाथ नहीं लगती थी यार, तो मगरों कन्नी फटो हाई थी मामू जी, पता नहीं लगना है पर लग जाना पड़ा। थोड़ा मीठा और पाओ, और पाओ, ये तो किलो दूध दे बात चल। चल अभी हम डालने लगे इसमें पत्ती, थोड़ा हम लकड़ी, देख कैसे जबरदस्त आग जल गई है। अभी हम डालेंगे लकड़ी इसके अंदर ताकि आग थोड़ी और तेज हो, चाय का और मज़ा आए। अभी इसमें हम डालेंगे अब पत्ती, पत्ती है, पहले हम सुप्रीम पत्ती पीते हैं, लेकिन इस बार हमें ना वाइटल पत्ती मिली है, जो दुकानदार था उसने हमें वाइटल दिया, कहता ये भी एक बार टेस्ट करें, हमने कहा ये दे दें, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम। हेलो है ते, हाँ जी, पूरा कैमरा लेके पूरा माहौल बना के वधिया मैडम बैठे हैं जी, तुहानू रात नू वीडियो भी वहांगे। हाँ जी पत्ती ना मैंने कम ही डाली है, क्योंकि जब चाय तैयार होगी ना फिर चेक कर लेंगे कि पत्ती कम है या ज़्यादा है।
अभी हमने पत्ती ना कम डाली हुई है। मामू जान ने बड़ा जबरदस्त सिगरेट सुलगाया हुआ है, गोल्ड फ्लैग। हमें तो मामू जान कभी हुक्के की भी बारी नहीं लगाने देते, इतने सख्त है इस मामले में। कहते हैं प्यार मोहब्बत अपनी जगह, सिगरेट कभी भी नहीं पीना, जिस दिन पी लिया उस दिन जूते तुम्हें मारूंगा। आज का भी लोग मामा भांजा भी लोग ये पाकिस्तानी भी लोग है। आज 14 अगस्त पाकिस्तान सेलिब्रेट हो रहा है। हम इस तरह से मामू जी अग नूंगल देंदे रहे हो तां वेखो ओ सफरे ओ फड़ो ना ओ एक पना बोतल दा ढक्कन ने ओ भी ले आओ तेल किता है अग पवेगी इधर सेक है ना रखी जाओ अग नु बहुत टीले पाए थे ना ता अग एक बार तो फिर आग जल गई है। ये आग मेरी गलती की वजह से ना बंद हुई है। पानी मामू जी पियावा बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त चाय बनाने का, और जब पीने का मज़ा आएगा वो इससे भी अलग होगा। इसलिए हम दो का बदाफी लेकर आए हैं। कोई बंदा आ जाता देख कर कहता हमें भी चाय पिलाएं, तो हमसे इनकार ही नहीं होती हम किसी को इनकार ही नहीं करते। कोई चोमो कलहरी मांगे हम उसे भी दे देते हैं हम किसी को नाराज नहीं करते एक महीना बस रह गया गर्मी का, सिर्फ एक महीना। आज बादरू की 30 है ना, पंजाब ना सावन की 30, आज सावन की 30 डेट है, और जो इसके बाद महीना आएगा पंजाबी का बादू का वो सिर्फ एक महीना है गर्मी का। पानी पीवा मैं पीवा पानी किमें निकले दस्ती ये हमारा सर सब्ज शादाब पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान है सर सब्ज शादाब। देखें आपको पीछे किस तरह नज़र आ रहे हैं, ये चावल की काश्त है मामू जी, उसके पीछे वो कौन सी है मकई, मकई वो पीछे मकई की काश्त है। ये साइड पर जो छोटे छोटे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ये भी चावल है, ये अभी लगाए ने। हाँ ये अभी लगाए, ये पहले के लगे हुए हैं। पूरी दुनिया हाफिजाबाद के उधर एंजॉय कर रहे हैं, हम इधर एंजॉय कर रहे हैं मजे के साथ। कैसी
ये जमीन ऐसी जैसे सबज कारपेट है, पाकिस्तान है ही बड़ा खूबसूरत। क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए। तो और मुसलमान के घर, और मुसलमान के घर है, हाय हाय, सरकार दी उम्मत अल्लो, नबी की उम्मत, मुसलमान के घर, प्यारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। चाय को उबाला आ गया है, चाय को अभी उबाले दिलाने हैं हमने। वीडियो भले से काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन हम अपनी आज के दिन को, आज की जो हमारी एक्टिविटी है 14 अगस्त के बारे में पूरी वीडियो हम शूट करेंगे, पूरा मज़ा आपको दिखाएंगे कि आज के दिन हम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हम थोड़ा लेट ही आए हैं, अभी टाइम क्या हुआ तकरीबन, मेरे ख्याल से कुछ 4:30 बजे दोपहर का टाइम है, और पसीना ऐसे बह रहा है, ये देखिए ये पसीना, ये गर्मी के दाने हैं, नीचे ही कर लें। 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं। चाय की शक्ल बड़ी खूबसूरत हो गई है, वाइटल टी इज बेस्ट टी पाकिस्तानी। मामू जी हम भूल गए थे, पहले रखनी चाहिए थी। आ जाओ बेटा, तुम चेक कराओ ना, ये जरा पक लगे बिठा दे, कराओ ना पक, पकन से बाद ये जरा। मामू जी गप लगाए, जरा इनसे गप शप लगाए, इन्हें गल्ला कोई चाय का मीठा चेक कराओ ना। अच्छा, चाय का मीठा चेक कराने। हाँ, निकिया अगे करो ना। बालन हम उतो साथ लेके आए हैं। ये बेरी का बालन है। हाँ, बेरी का बालन है, हमारे घर की बेरी है, उसको हमने छांगा था सर्दियों में जब धूप नहीं आ रही थी, तो वो बालन सूखा, तो हम अपने घर का बालन लेकर अभी मामू को ना मैं मीठा चखाने लगूं। और पाओ तो सही मीठा इतना कुछ चखेंदा वो घर देखना चाह प्यान ना है बाद मैं ना ये मीठा चखने वास दिती जे ये साध मेरा लिया है ना। अगर कोई बंदा ना ना कप चाय पीने आया तो हमने दो दो कप पीने हैं, ढाई ढाई पीने हैं हमने, ढाई ढाई कप पीने हैं। कोई बंदा ना पीने आया, अब किसी की किस्मत है जो आ जाए पीने, वो पीने आ जाए तो उसकी किस्मत, नहीं पीने आ रहा तो हमने ढाई ढाई कप पीने हैं। 1 किलो दूध की चाय है, आग में पता नहीं मामू से मिट्टी आग भी ज़्यादा सही है, असल साथ को ना जुड़ी नहीं वो काम आ रहा होना। मिठा बड़ा बढ़िया पे है जी। अच्छा जी,
आजो आजो आजो। लाओ लाइटर नो तले तले करके तले करके। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। आजो आजो जी। बिस्मिल्ला जी, वालेकुम सलाम, लख ते करोड़ वारी वालेकुम सलाम जी। ना आजो, लग गई आ गई यार, नहीं बुझदी यार, हूँ नहीं बुझेगी। पियो पियो जी पियो। खैर हो, मैं ना खैर हो जी, बाद चो अल्लाह खुश रखे तुहानू। हमारे मेहमान आ गए हैं चाय के। हम घर से निकले थे अपने लिए, दो कप भी रखे थे। अभी भी अपना आ रहे हैं, आजो। अल्लाह का मेहमान आ जाता है, आजो मेहमान, खुदा की रहमत होती है। तो हमें मेहमान मिल ही गए हैं अकेले। मामी चीनी बड़ी बेचे, ओ चीनी तो पत्ती दो दाने पाओ, पत्ती पाओ। हेलो बाबू जी, पवो बिस्मिल्लाह। निजाम रखे है तुम? हां कैमरे आओ, पुलिस तो वेखना ही आए हैं। हां ते देखो ए नाल बोलो ना, सलाम दो लो, अपना तारफ कराओ। अपना तारफ कराओ, कितों आए हो मेरे जी? अस्सलाम वालेकुम। असी ना इन्हां दोस्तां नूं वेख्या, चाह बना रहे ने, कैमरा लाया, सानू शौक पैदा होया इन्हां नूं आके वेखिए, मिलिए, बवीए इन्हां को। तो बंदे भी चंगे ने, खुले दिल वाले, आवाज़ मार ली ने, आजो। नहीं तो अक्सर बंदे जिहड़े ने ना कोई खांदे पकांदे होण ना, तो उन्होंने मथे से त्रिउड़ी पै जाती है कि इधर ना कोई आवे। तो यह ना मिलनसार बंद की निशानी होती, जो किसी आवाज़ मारता है। हर बंद के दिल जो रहम नहीं होंगे। तो कि जगह तो आए तुम? वो जिंदाबाद भाई, मल्ला गड़ीवान। मेरी पैदाइश हफसाबाद की है, टुर असी गए किलादार सिंह महल महमदपुरे की। चाचो बाबे साहब है लगता मेरा सफियान सफियान मेरे घर अब्दुल कादर कौंसलर सी। वे भाई अल्लाह कदों जोड़ लो आए। रिश्तेदार सफियान वाली मैं इतने ही है। सफियान फस गया लॉकडाउन। हाँ जी, और फसे ना पीओ पीओ, हम चाह पीने गिलास तो हो मैं गिलास पा रहे हैं जरा। असि आप गले निकले हैं ना, खाने पकाने हैं, 100 बंदे नु आवाज मारी दी। मैं ना मजे ही नहीं, मैं यकीन करो तो पहलो मैं तो सू इतों लगते हूँ, मैं आवाज मारी मैं इतने आ जाओ। हाँ जी जी हाँ जी।
ਨਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਖਾ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂ ਵਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੋੜੀਆਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂ ਬਾਲਣ ਤੁਹਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਲੈ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਫੋਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕੱਢਣ ਡੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਘੜੀ ਜਵਾਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੰਘ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮੋੜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਮੈਂ ਬਰੀ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਬਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ
लारी वाला हाल कुछ देर खलोएगा, सप्पा वाला बाबा तुसा सुनिया तो होएगा। अज इस बाबे नू बच्चा बच्चा जानदा है, सुरमा मैं वेचना वा जग सारा जानदा है। अज मेरे सुरमे का कोई भी ना जोड़े, सतवियां बूटियां दा अरक ते निचोड़े। होने कई चश्मिया का पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है। भावें किड्डी सुजी होई अख, भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे, लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे, धुंद होवे जाला होवे भावें उन कुकरे, अखां विचों पले पले पानी पिया उतरे। ठंड पै जांदी है ते पीड़ मुक जांदी है, इक्को ही सिलाई नाल ठंड पै जांदी है। पंजां दिनां दसां दिनां वीआं वाली बात है, लारी दे मुसाफरां नूं खास रियायत है। तो खट के चलाने नहीं असा कारखाने मोमनो, चार आने मोमनो। चीज़ मैं वो वेचना वा भला होवे सब दा, अख वाला कैमरा तो लख दा नहीं लभदा। और डेरे तो मंगाओगे तो नरख माल वखरा, डाक दा किराया तो मसूल नाल वखरा। एवें मैं कुरान दियां कसमां नहीं चुकदा, दिलों ना मकाइए तो वहम नहीं जे मुकदा। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹੁਣ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਮੂ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂ ਅਨਵਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲੰਘਿਆ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਉਹਦੇ ਪਾਓ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਪੀਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਲੈ। ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਘੱਟ ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੀ ਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਦੇਰ ਵਾਲਾ ਨੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਦੇਰ ਵਾਲਾ ਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। चाय हमारी तैयार हो गई है, अब हमने चाय कपों में भी डाल लिया, पीने लगे हैं। ये हमारे वो गेस्ट हैं जो अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, जिनके लिए हमने दो कप रखे थे, ये वो अपना हिस्सा पीने आ गए हैं। ठीक है, हमने दो मेहमान मांगे थे लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तीन दे दिए। ठीक है, अब मेरे मामू जी ग्लास में चाय पीने लगे, ये मोमन में घर में भी ऐसे ही हो जाता, ग्लास में मेरी चाय डाल दे, ग्लास में ज्यादा मिलती है यही गल है। ये किला दीदार सिंह है, वहाँ के ये रहायशी हैं लेकिन हाफिजाबाद के भी जानने वाले हैं, किला दीदार सिंह से आए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से इस दिन को हमने सेलिब्रेट किया हुआ है। हाँ चैनल चैनल दे यूट्यूब पे तुसा लिखना है बिन्यामीन व्लॉग्स, मैं तुहानू मोबाइल ते ना लिख दांदा, और लिया वो लिख देना, तुसी नाल गल बात करो, तुसी भी कोई गल करो, कोई सलाम तो लो, ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ।
हम तो वैसे ही आए थे इधर हेड सागर पे, ये दोस्त मिले हैं, इन्होंने बुलाया, इनके पास आ गए हैं, बड़े अच्छे हैं, इनके पास वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह बड़ा वधिया, इनसे बातें हो रही हैं, चाय पिला रहे हैं, हमने भी बोतल पिलाई है इनको, जो हमारे पास था हमने पिलाया, इनके पास था वो हमें पिला रहे हैं, ये अब्दुलमान साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, ये बड़े खुश हैं हेड पे आके, लोगों को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है इनकी। अब हम इनसे नंबर ले रहे हैं, दे रहे हैं, फिर भी कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी इनसे, रब्ता रखेंगे। अब अल्लाह हाफिज़, बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है जी, मैं किलाईदार सिंह का रहायशी हूँ। बेसिकली मेरा काम, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं जो कि जो रिक्शा मैंने बनाया और जो स्कूल के बच्चे और बच्चियों को मैं स्कूलों में ले जाता हूँ, उसके बाद मैं फारग बैठ रहता हूँ, और किलाईदार सिंह मोहल्ला महमदिया में मेरी रहाइश, और हम इधर सैर करने के लिए हेड सागर पे आए, और हमारे हमें ये दोस्त मिले, उन्होंने हमें दावत दिया, हम उनके पास आ गए, और अब हम उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको ज़्यादा दे, तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो वज़ीरे आज़म पाकिस्तान है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तकरीबन हमारी वीडियो आधे घंटे से 40 मिनट तक हो गई है, तो मिलते हैं आप किसी और अगली वीडियो के साथ, किसी और अगली खूबसूरत जगह के साथ, किसी और अपने दोस्तों के साथ, तो जब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।